तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी वो एप्लीकेशंस एंड कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आपके बच्चे कोडिंग कर सकते हैं और आप उन्हें किधर से डाउनलोड करें। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रैच जूनियर। इसको कहते हैं स्क्रैच जूनियर। जो 5 ईयर्स के बच्चे जिस पर कोडिंग करेंगे दैट इज स्क्रैच जूनियर। एक स्क्रैच भी अवेलेबल है, वो स्क्रैच पे काम नहीं करेंगे। जो 5 ईयर का किड है दैट किड इज गोइंग टू वर्क ऑन स्क्रैच जूनियर, वो स्क्रैच जूनियर पे काम करेगा। ओके, तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ जहाँ से आपको ये एप्लीकेशंस और ये सॉफ्टवेयर्स आपको डाउनलोड करने हैं। अगर कोई विंडो में काम कर रहा है तो वो कहाँ से डाउनलोड करेगा और उसको कौन सा वाला डाउनलोड करना है, और अगर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, आईफोन्स यूज़ कर रहा है और वो उसी पर ये डाउनलोड करना चाहता है तो वो कहाँ से डाउनलोड करेगा। सो मूव, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना है स्क्रैच जूनियर, SCRATCH स्क्रैच जूनियर, JR स्क्रैच जूनियर डाउनलोड फॉर विंडोज़, स्क्रैच जूनियर डाउनलोड फॉर विंडोज़। ओके, वंस यू टाइप ऑल दिस देन यू हैव टू प्रेस द एंटर बटन। आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद विंडो आपके सामने अपीयर होगा। द फर्स्ट वन स्क्रैच जूनियर फॉर डेस्कटॉप ओपन सोर्स कम्युनिटी वाला, ये आपको चूज करना है। दिस वन यू हैव टू चूज, देन आपको इसको क्लिक करना है। हम इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। एज यू कैन सी ये नए टैब में ओपन हो चुका है। आप नीचे आओगे, डाउन 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 एंड यू विल फाइंड डाउनलोड्स। यहाँ पे एक आपको मिलेगा मैक का वर्जन, सो दोज हू हैव मैक दे कैन गो ऑन दैट पार्ट। और जो विंडोज़ पे काम कर रहे हैं वो ये नेक्स्ट विंडोज़ वाला पार्ट इंस्टॉल करेंगे। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे विंडोज़ वाले पार्ट में तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी है अबाउट विंडोज़ 10 स्मार्ट स्क्रीन। विंडो 10 की जो भी लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्चुअली अ स्मार्ट स्क्रीन, वो स्मार्ट स्क्रीन है। तो उसके लिए यू हैव टू चूज़ रन एनीवे। इंस्टॉल करने के बाद आपको चूज़ करना है रन एनीवे टू इंस्टॉल। ओके, देन आपका विंडो 10 पे भी ये रन हो जाएगा, चल जाएगा। यहाँ से डेस्कटॉप वाला पार्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दोज हू वॉन्ट टू वर्क ऑन ऐप, अब जो लोग ऐप यूज़ करके काम करना चाहते हैं, जो लोग स्मार्टफोन्स आईपैड्स टैबलेट्स ये यूज़ करके काम करना चाहते हो, दे हैव टू इंस्टॉल द ऐप, उनको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप गूगल प्ले पे जाएंगे, स्क्रीन ओपन होके आपके सामने आ जाएगी इंस्टॉल्ड। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए दैट्स व्हाई इट इज़ शोइंग, मेरी साइट पे ये शो कर रहा है इंस्टॉल्ड। तो जब यहाँ पे इंस्टॉल आएगा जो भी बटन ग्रीन कलर का, आपको उसको प्रेस करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके स्मार्टफोन्स पे डाउनलोड हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके स्मार्टफोन पे इजीली डाउनलोड हो जाएगी और देन आप स्मार्टफोन यूज़ करके भी वर्क कर सकते हो। इससे पहले कि हम स्क्रैच जूनियर पे वर्क करना स्टार्ट करें या स्क्रैच जूनियर की जो एप्लीकेशन है उस पर हम काम करना स्टार्ट करें, फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक मीनिंग। उससे पहले हम उनको ये बहुत ही जो बेसिक मतलब है वो हम उन्हें समझा देते हैं, और इस चीज़ को समझाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। स्क्रैच जूनियर एप्लीकेशन डेवलप ही ऐसे बच्चों के लिए की गई है जो कि 5 ईयर्स के हैं। ओके, वहाँ पे बहुत ही बेसिक ब्लॉक्स हैं, उन बेसिक ब्लॉक्स का मीनिंग पहले आपको अपने बच्चों को क्लियर करवाना है। क्लियर करवाने के लिए व्हाट द थिंग्स यू कैन डू, आपको अपने बच्चों को लेफ्ट राइट टॉप डाउन का मीनिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड कराना है। देन द सेकेंड थिंग जो आप अपने बच्चे को समझाएंगे वो है ग्रो एंड श्रिंक का मतलब। ग्रो एंड श्रिंक आप अपने बच्चे को समझाएंगे कैसे, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। टेक वन बैलून, आपको क्या करना है, आपको एक बैलून लेना है और उस बैलून को आपको ब्लो करना है। ब्लो करने के बाद आपको उसे बोलना है नाउ दिस बैलून इज ग्रोइंग स्लोली। उस बैलून में से जब आप एयर निकाल दोगे तो वो श्रिंक, ये श्रिंक हो गया। आप उसको ये बोलोगे दिस बैलून इज नाउ श्रिंक। As that we all know, balloons बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो यहाँ से grow और shrink का मतलब बहुत जल्दी और बहुत इजीली समझ लेंगी। Because grow and shrink का मतलब उन्हें यहाँ से समझ में आ जाएगा balloon से, because that is the thing, balloon एक ऐसी चीज़ है जो कि उनकी फेवरेट में आती है, उनको बहुत ही पसंद आते हैं balloon, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो हो गया grow and shrink का मतलब। Before start the coding, कोडिंग स्टार्ट करवाने से पहले that is left, right, straight, back. ओके, तो लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैक आप उसे कैसे कराएंगे, व्हेन एवर द चाइल्ड इज प्लेइंग, जब भी आपका बच्चा खेलता है या फिर वो
या फिर वो वॉक कर रहा है, या फिर वो कोई भी चीज़ जो भी वो पिक कर रहा है, लाइक बॉटल हो गई उसकी, वाटर बॉटल हो गया, उसका पेंसिल हो गया, उसका इरेजर हो गया, जो भी कुछ वो पिक करता है, तो यू हैव टू आस्क एवरी टाइम, दिस इज़ अ लेफ्ट और दिस इज़ अ राइट साइड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड और यू आर कमिंग बैक, आप सीधा जा रहे हो या आप बैक साइड पे आ रहे हो, या फिर आप लेफ्ट जा रहे हो या आप राइट जा रहे हो, बस आपको यही चीज़ उसे बार 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 पूछता रहना है, पूछते रहना है, पूछते रहना है, इस तरह से यू विल सी द डिफरेंस, आप खुद ब खुद डिफरेंस देखेंगे विद इन अ वीक, जो चाइल्ड है उसे लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैक का मतलब बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, एंड दैट वेरी सेम वे ग्रो एंड श्रिंक का मतलब भी वो समझ जाएगा, सिर्फ इतना ही काम करना है आपको, एंड देन योर चाइल्ड इज़ रेडी टू लर्न द कोडिंग, उसके बाद आपका बच्चा कोडिंग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिकॉज ये मीनिंग उसे थोड़े से पता होने चाहिए, अदरवाइज वेन वी स्टार्ट द कोडिंग, जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट बैक ग्रो श्रिंक इनके मतलब उसको नहीं समझ में आएंगे, तो वॉट हैपन आफ्टर दैट, सो होगा क्या इससे, उसको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी देर में समझ में आएंगी, समझ तो आएंगी ही बट थोड़ी देर में समझ में आएंगी, अगर उसे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो काम और भी आसान हो जाएगा, द चाइल्ड एबल टू लर्न वेरी फास्ट एंड क्विकली, बहुत जल्दी और बहुत क्विकली वो लर्न कर लेगा कि वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। सो इन दिस वे ये तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए कि किस तरह से आप उसको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, और उसको कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से बहुत ही ईजिली क्लियर भी हो जाएगा। सो देन वी स्टार्ट द कोडिंग, और उसके बाद हम फिर कोडिंग करते हैं, एंड वेरी सून अगेन आई कम अप विद माई न्यू वीडियो, टिल दैट टाइम एंजॉय योर डे, बाय बाय यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।